अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना आपको अपना फैसलाबाद दिखाऊं। मेरा शहर बहुत प्यारा है, तो मैं आपको अपने शहर से इफ्तिताह करूंगा, आपको अपना शहर दिखाऊंगा, शहर की सारी आयत बताऊंगा आपको, सिर्फ मेन चीज़ें बताऊंगा और बाकी सारी वजाहत के साथ वो एक एक वीडियो में बताऊंगा। आज आपको मैं कुछ मेन चीज़ें बताऊंगा, चलिए मेरे साथ आगे दिखाता हूँ मैं आपको। मैं इस टाइम मुफ्ती के पास आ गया हूँ। ये जो मुफ्ती आपको नज़र आ रही है, ये पहले सारे द्वारों के पास होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये ख़त्म होती थी, तो फिर हमारे पास एक टोपी रह गई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिखाता हूँ फैसलाबाद और फैसलाबाद की सैर करवाता हूँ। मैं इस टाइम रेल बाज़ार कस्सी दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। अब मैं आपको रेल बाज़ार दिखाऊंगा, इसके अंदर जो जो से कारोबार होते हैं वो दिखाऊंगा और गोल बाज़ार दिखाऊंगा, सारा कुछ दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ और फैसलाबाद की तरीक बताऊँगा, चले। या मक्की मार्केट कपड़े की मार्केट है, तो आए आगे मेरे पास चले कपड़े खा लो। आ गई है गोल मस्जिद, आ गई है तो बुआने बाज़ार के दरमियान में, ये वाहन मस्जिद है, बुआने बाज़ार के दरमियान में मस्जिद है और दो साइडों से बाज़ार निकलता है। मैं आपको दिखाता हूँ गोल मस्जिद और साइडों से बाज़ार निकलता हुआ, दिखाओ गोल। गोल मस्जिद से आगे आगे हम हमारे इधर पास पास जूलरों की दुकान है, जूलरों की दुकान जुमे पैसे बंद है, तो जूलरों की दुकान दिखाता हूँ आपको, सीधा घंटा घर लेके जाता हूँ, चले आए मेरे साथ जूलरों की दुकान देखते हैं। हम रेल बाज़ार से आगे आते हुए गोल में पहुंच गए, गोल बाज़ार में। ये गोल बाज़ार है जो सारे बाज़ारों के दरमियान में घूमता है। अब मैं गोल बाज़ार भी दिखाऊंगा, गोल बाज़ार को सारे का एक लादा लादा नाम है, सबका एक एक नाम भी बताऊंगा और इनका एक एक मतलब है, मतलब भी साथ साथ आपको बताऊंगा, लेकिन वो अगली वीडियो में बताऊँगा। अगली वीडियो का इंतजार करके मेरे साथ चले घंटा का। बात आती है कि रेल बाज़ार में काम कौन कौन सा होता है। रेल बाज़ार में तीन चार किस्म के काम होते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट का काम होता है, इसमें कपड़े का काम होता है, उसके बाद इसमें सोने का काम होता है, इसमें प्राइस बॉन्ड का काम होता है। रेल बाज़ार में चार पांच काम होते हैं, ऐसे ही सारे बाज़ार हैं, सब में लादा लादा काम होते हैं। मैं सबके लादा लादा काम आपको दिखाऊँगा, चले मेरे साथ घंटाघर। हम आ गए तो आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। रेल बाज़ार से घूमते घूमते हम घंटाघर तक पहुँच चुके हैं। क्लॉक टावर हम आपको दिखाते हैं और आपको सात बाज़ार और रह गए, इसके बाद सात बाज़ार दिखाऊंगा, उनके नाम दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन कौन सा कारोबार होता है। आए दिखाते हैं आपको क्लॉक टावर। तो ये दूसरा बाज़ार हमारा कारखाना बाज़ार है। कारखाना बाज़ार कपड़े के काम से मशहूर है, आपने देख ही लिया होगा साइड पे कपड़ा पड़ा हुआ, कपड़े का काम कर रहा है, ये कपड़े के काम से बहुत मशहूर है। यहाँ कपड़े का काम क्योंकि हमारा फैसलाबाद सर्दी शहर है, तो इसमें कपड़े का काम बहुत ज़्यादा, तो कपड़े के काम से मशहूर है और दूसरा जुटों की वजह से मशहूर है। चलाए मैं आपको दिखा दो कारखाना बाज़ार।
फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, उसे पाकिस्तान का मानचेस्टर भी कहा जाता है। ये संती शहर के साथ साथ इसमें बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे बंदे हैं जो बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान की, उनकी पैदाइशें पाकिस्तान के रहते हैं, जैसे हमारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जिन्होंने पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल है उनको। और उसके बाद आजकल जो ट्रेंडिंग पे हैं हमारे आसफ़ अली साहब, वो हैं, और भी बहुत सारे नामवर शख्स हमारे फैसलाबाद से, वो भी दिखाऊँगा, उनके घर भी दिखाऊँगा, उनके बारे में सारी मालूम बताऊँगा। आप इसके साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। बाजार के पास आ गया, ये मिट कुमरी बाजार है, आपने सुना होगा सूत्र मंडी कोरे का काम, सूत्र मंडी ये मिट कुमरी बाजार में जहाँ कोरे का काम होता है, और इसमें कॉस्मेटिक की होलसेल की मार्केट है जिसकी वजह से बंद है, किसी दिन खुला होगा। मैं आपको इसकी पूरी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको सूत्र मंडी दिखाऊंगा और होलसेल की मार्केट दिखाऊंगा। चलाए अब चलते हैं, ये साथ ही हमारे बंगाली लस्सी वाले, अगर कभी फैसलाबाद आपका चक्कर लगे तो यहाँ से लस्सी जरूर पीनी है आपने, ये बंगाली लस्सी वाले। हम बवाना बाज़ार आ गया, बवाना बाज़ार भी कपड़े और जूतों की वजह से मशहूर है, यहाँ कपड़े और जूते मिलते हैं। और आपने एक बात, आप एक नारकली का नाम सुना होगा, फैसलाबाद की नारकली मशहूर है, और नारकली भी इसी बाज़ार में, आपको नारकली भी दिखाऊंगा और सारी दिलचस्प बातें आपको बताऊँगा। बवाना बाज़ार में कपड़ा और जूता मिलता है, यहाँ हर कपड़ा मिलता है अच्छा और हर जूता मिलता है। आगे दूसरा बाज़ार दिखाता हूँ, जंग बाज़ार आ गया, जंग बाज़ार फैसलाबाद का वो बाज़ार है जो आर राउंडर बाज़ार है, इसमें दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। बाबा आर राउंडर कहेंगे यार ये आर राउंडर कैसे, इसमें हर चीज़ मिल जाएगी, मैं आपको इस पर पूरी एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसमें इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी जो आप माइंड में बना के आ जाए कि हमें ये चीज़ लेनी है, तो आपको वो चीज़ यहाँ से मिलेगी। ये आज जितना है जितनी ज़्यादा थोड़ी दुकानें बंद है, जिस दिन खुला होगा मैं आपको सारी इसमें वीडियो दिखाऊंगा और आपको सारे बाज़ार दिखाऊंगा क्या क्या इसमें मिलता है, और हर चीज़ आपको दिखाऊंगा किधर किधर से मिलती है। छठे बाज़ार की अगर बात करें, छठा बाज़ार हमारा मीनपुर बाज़ार है, जिसमें हमें बुक्स मिलेंगी, किताबें वगैरह, और इसमें मेहंदी का सामान, सजावट वगैरह का सामान मिलेगा, इसमें सारा कुछ मिलेगा आपको बुक्स के रिलेटेड और वो सजावट के रिलेटेड। आपको मैं दिखाऊंगा, जुम्मा है इस वजह से बंद है, मैं दिखा नहीं सकता, जो कुछ खुला मैं आपको वो दिखाता हूँ। सातवां और सेकंड लास्ट बाज़ार हमारा आता है चिन्योड़ बाज़ार। अब बात यह है चिन्योड़ बाज़ार में क्या क्या काम होता है, चिन्योड़ बाज़ार में भी दो तीन काम होते हैं। चिन्योड़ बाज़ार में मेडिसिन का काम होता है, इसमें मेडिसिन मिलती है, इसमें कुछ जैकेट्स वगैरह का काम होता है सर्दियों में, और आपको इसमें कपड़े का काम होता है, कपड़े का काम इसमें होलसेल पे बाधे पर होता है, होलसेल वाले यहाँ काम करते हैं। अब बात आती है आठवें और आखिरी बाज़ार की, आठवें और आखिरी बाज़ार की बात करते हैं तो आखिरी बाज़ार आता है हमारा कचहरी बाज़ार। कचहरी बाज़ार हमारा फेवरेट बाज़ार इसलिए क्योंकि इसमें मोबाइलों का कारोबार होता है, इसमें मोबाइल का ज़्यादा कारोबार होता है, और इसमें कोई काम नहीं होता, सारे मोबाइल लेते हैं, सेल होते हैं, सेकेंड हैंड फ़ोन, नए फ़ोन, और इसमें रिपेयरिंग का काम होता है। आपको मोबाइलों की दुकान दिखा दें। अब बात आती है कारोबार के साथ साथ खाना भी ज़रूरी है, तो जब हम कचहरी बाज़ार आए तो खाने की बात क्यों ना करें, तो कचहरी बाज़ार में हमारा फेमस और मशहूर पुलाव जहांगीर मुर्ग पुलाव दिखाएँ और आपको मोबाइलों की दुकान दिखाते हैं और फिर चलते हैं आप की तरफ। आठ के आठ बाज़ार आपको दिखा दिया, मैं आपको दिखाऊंगा कि हर बाज़ार से घंटा घर नज़र आता है कि आठ बाज़ार है, आठों बाज़ार में जिस मर्जी बाज़ार से आप देखो आपको घंटा घर नज़र आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे रेल बाज़ार है, रेल बाज़ार से बाहर निकलो मैं आपको साफ फिर से ना सारे बाज़ार। तो देखो कारखाना बाज़ार आ गया, अब आ गया नीम कुमरी बाज़ार, अब बात आ गई जंग बाज़ार आ गया, जंग बाज़ार के बिल्कुल सामने कहता है। अब आते हैं आगे दूसरे बाज़ारों पे चलते हैं, उनका भी ऐसे ही आएगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ साथ साथ चले मेरे साथ।
गया, उसके बिल्कुल सामने घंटा घर। अब आ गया जी अमीरपुर बाजार। अमीरपुर बाजार आपको मैं दिखाया, अमीरपुर बाजार के बिल्कुल सामने वहाँ ही चलते हैं। आप दो बाजार आ गए, वो भी देखते हैं, ऐसे चलते हैं आगे की तरफ। अब आ गया जी चिनोट बाजार। चिनोट बाजार आ गया, चिनोट बाजार के बाद चिनोट बाजार आ गया, चिनोट बाजार के बाद अलकौसर है, उनकी आइसक्रीम बहुत मशहूर है। चिनोट बाजार के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चिनोट बाजार, अब लास्ट बाजार आ गया कचहरी बाजार, फिर आपको दिखाता हूँ। अब कचहरी बाजार दिखाता हूँ, आखिरी बाजार है ये देखो। मुझे यहाँ दो लड़के मिले हैं, वो काम करते थे, वो वेस्टकोट वगैरह का, उन्होंने कहा हमारी वीडियो बनाओ, तो मैं उनकी एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको चैनल पे दिखाऊंगा उनकी वीडियो। तो फिर उनकी वीडियो बनाते हैं और फिर चलते हैं आगे। मान चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक करो। शुक्रिया। सुन लिया आपने, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कैसी लगी आपको आज? मैंने सारे बाजार आपको बाइक से ऐसे दिखाए क्योंकि जुमा था, जुमे को सारे बाजार बंद थे, सारे बाजार में जुमा बाजार लगा हुआ था। मैंने कहा कुछ खास नहीं है जो आपको दिखाऊंगा, दिलचस्प बात रही थी जो मैंने आपको दिखाई। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो लेके आऊँगा, एक एक बाजार की, हर बाजार की अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा, आपको दिखाऊंगा कौन से बाजार में कौन सा कारोबार होता है और कौन से बाजार में कितने कारोबार होते हैं। और गोल दिखाऊंगा आपको सारे बाजार में, जो गोल है वो सारे बाजार के दरमियान में घूमते हैं, उसकी सैर करवाऊंगा, उसके भी सबके अलग अलग नाम वो बताऊँगा, बाजारों के नामों के मतलब बताऊँगा। सारा कुछ जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को पूरी देखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।